अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 48 और हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहले बात करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये ऐसे स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट और इसके साथ ही मूवमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर दो तरह के मेजर हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स जो हैं बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। एक है हमारे पास ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रिलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। जबकि अगर हम बात करें ग्रोथ इनहिबिटर की तो वो आपकी बुक में दो एक्सप्लेन किए गए हैं, एक है अब्सिसिक एसिड और एक है हमारे पास इथाइलिन। और हम आज के टॉपिक की बात करें तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अंदर, ये एमसीक्यूज में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स क्या हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट्स के अंदर जो है वो ग्लैंड्स या कह सकते हैं ऐसे ग्लैंडुलर टिश्यूज या सेल से रिलीज होते हैं और ये जाकर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ को और इसको इनहिबिट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, उस ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रोसेस या मैकेनिज्म जिसको हम डिटेल के साथ आज पढ़ने वाले हैं उनको हम जो है वो रीड करेंगे। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन हमारे पास इसका जो कॉमन नेम है उसको हम कह सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड या इसके वेरिएंट्स को हम नाम देते हैं ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन। अच्छा जी, ये ग्रोथ हार्मोन है। इसके अंदर हमसे हमारे पास एमसीक्यू के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल्स, ये सेल्स की जो सेल्स का साइज होता है उसको इनलार्जमेंट करने के इन्वॉल्व है। स्टेम के अंदर ये सेल्स की को इनलार्जमेंट करवाता है और जबकि यानी ग्रोथ को कह सकते हैं प्रमोट करता है, जबकि रूट्स के अंदर ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ को रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है। क्लियर जी? प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट। कैसे इनलार्जमेंट करता है? जो लोअर पोर्शन होते हैं स्टेम के वहां पर सेल्स को इनलार्ज कर देता है और जो स्टेम होती है वो अपवर्ड मूव करती है। प्रमोट द सेल डिवीजन इन द कैम्बियम। कैम्बियम मीन वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन उनकी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। दूसरा हमारे पास है इनहिबिट द रूट ग्रोथ। जो रूट होती है उसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन उसको रिड्यूस करता है या इनहिबिट करता है। इसमें हमारे पास पॉइंट है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी कि ग्रोथ को बिल्कुल ही कम प्रमोट करता है। लेकिन अगर बात करें इनहिबिट द ग्रोथ एट हायर कंसंट्रेशन एंड आल्सो इन्वॉल्व इन जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन अर्थ एंड ट्रॉपिज्म मीन मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ड्यू टू द स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो हमारे पास जियोट्रॉपिज्म, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी डील किया था। नेक्स्ट है जी प्रमोट द ग्रोथ ऑफ क्लासेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील व्हाट इज क्लासेज। आपने कल लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ा क्लासेज जो है वो अमॉर्फस मैस होता है सेल्स का, जो कि बेसिकली जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, अमॉर्फस होता है और ये लेस डिफरेंशिएट होता है, पुअर डिफरेंशिएट होता है, उसको हम कहते हैं क्लासेज। और ये उस वक्त बनता है जहां पर किसी प्लांट के ऊपर अगर कट लग जाता है तो वहां पर ये मोस्टली बनता है। तो उसकी क्लासेस की जो सेल डिवीजन होती है उसको प्रमोट करता है, प्रमोट बड इनिशिएशन इन शूट। शूट के अंदर ये बड इनिशिएशन को जो है वो क्या करता है, इनहांस करता है। नेक्स्ट है जी बड इनिशिएशन की बात करें, बड समटाइम्स एंटागोनिस्टिस टू साइटोकाइनिंस एंड इनहिबिटरी। बास का ये बड इनिशिएशन को इनहिबिट भी करता है जब ये एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मीन जब ओपोजिट हो, किसके ओपोजिट हो, जब ये साइटोकाइनिन हार्मोन के ओपोजिट या एंटागोनिस्टिक वर्क करे तो ये क्या करता है, ये रूट सॉरी बड इनिशिएशन को स्टॉप या रिटार्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस या फ्रूट ग्रोथ।
जो हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन है ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस ये है कि जो प्लांट्स की टिप के ऊपर पोर्शन होते हैं जिनको एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं, वो जो सबसाइडरी टिश्यूज होती हैं या लेटरल मेरिस्टम्स की ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। तो ये ऑक्सिन होता है बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम्स को प्रमोट करता है, यानी कि जो प्लांट होगा वो लेंथ में इंक्रीज होगा लेकिन चौड़ाई के अंदर इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट की प्रोडक्शन के अंदर पार्थिनोकार्पी के अंदर ये हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीज जो इन्वॉल्व है, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड आल्सो इन फ्रूट ग्रोथ। नेक्स्ट है जी इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कहते हैं कि अगर प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट फॉर्मेशन होती है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के, जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर डिवेलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, इफ ओवरी इज डिवेलप इनटू फ्रूट दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। अब ये उसके उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है जिनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, तो जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो उनके अंदर जो पार्थिनो फ्रूट फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली ऑक्सिन हार्मोन यानी पार्थिनोकार्पी के अंदर केंद्रीय होती है। नेक्स्ट है जी डिले द लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, मतलब जो लीव है उसकी एज को बढ़ाता है, मतलब जो लीव्स होते हैं उनको जल्दी गिरने से बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मौसम खिजां आता है तो उसके अंदर जो लीव्स होते हैं ऑटम सीजन के अंदर जो लीफ होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, जब प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना चाहता है तो अपने जो लीव्स होते हैं उनकी एज को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इनहिबिट द अब्सिशन। अब्सिशन कहते हैं कि रिटार्ड कर देना कि लीव्स को या फ्लावर्स को या फ्रूट को गिरने से बचाना, यानी हम से कह सकते हैं शेडिंग ऑफ द लीव्स आर फ्लावर्स आर शेडिंग ऑफ द फ्रूट्स इज इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन हार्मोन। तो ये आपने ये यहाँ तक हमारे पास था MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन या राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन जो ऑक्सिन हार्मोन की हैं ये आपके एनुअल पेपर के दबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें अगर हम बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड की डिस्कवरी के बाद केमिस्ट ने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाए जिसमें जिनको हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स कहते हैं, जिनकी तीन एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी गई हैं डिटेल के साथ। पहले हमारे पास है NAA या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या NAA जो है ये सिंथेटिक क्या कह सकते हैं ऑक्सिन है, जिसका काम क्या होता है स्टिमुलेट द फ्रूटिंग। फ्रूटिंग यानी हेल्प द नेचुरल फ्रूट सेट, मतलब प्लांट्स को जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन होती है उसको फ्रूट की राइपनिंग के अंदर जो है राइपनिंग और उसको राइपनिंग होने के बाद गिरने से बचाने के लिए बेसिकली होता है। नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हमने पढ़ा था कि विदाउट सेक्सुअल सॉरी फर्टिलाइजेशन ओवरी डिवेलप इनटू फ्रूट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये पार्थिनोकार्पी के अंदर भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है जी इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। एक पॉइंट यहाँ पर आपकी बुक में जो NA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है उसी के आगे जो है दो फंक्शन दिए गए, हालांकि एक फंक्शन NA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का है, दूसरा जो फंक्शन है वो इंडोल प्रोपियोनिक एसिड का है, दूसरे पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो ये आपने निशान लगा देना है। सिलेक्टिव वीड किलर। सिलेक्टिव वीड किलर कहते हैं, हमने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैर जरूरी जड़ी बूटियां जो है वो ग्रो कर जाती हैं, तो अगर हम हार्मोन यानी कि इंडोल प्रोपेगेनिक एसिड का इस्तेमाल कर लें तो वो जो वीड किलर्स वीड होते हैं उनको हम जो है वो डैमेज कर सकते हैं, सिलेक्टिव जो हमारे पास घास वगैरह होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है यूज टू किल द ब्रॉड लीव स्पीशीज यूज इन द इनहेंस एंड द लॉन टू इलिमिनेट वीड्स। नेक्स्ट हमारे पास है 2,4-D यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D मतलब 2,4-डाइक्लोरो कह सकते हैं फिनॉक्सी एसिड जो है ये स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज यानी पोटैटो का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो पोटैटो के कलर को रेड करने के लिए उसको जो है वो डैमेज लंबे अरसे तक उसको स्टोर करने के लिए भी हम जो है ये डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज करते हैं। प्रिवेंट द प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉपिंग यानी कि जो फ्रूट अभी तक मुकम्मल तौर पर मेच्योर नहीं हुए हैं उनको गिरने से बचाने के लिए भी
जो हमारे पास 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड होता है, इसका स्प्रे किया जाता है ताकि वो जो प्री मिच्योर यानी अभी तक जो फ्रूट पके नहीं हैं वो गिर ना जाएं। नेक्स्ट, रिटार्ड द अब्सिशन। अब्सिशन मीन कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं उनको गिरने से बचाता है। नेक्स्ट है जी जिब्रिलिन। जिब्रिलिन हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन में, इसमें दो पॉइंट हैं जो डिफरेंट हैं ऑक्सीजन से, बाकी तकरीबन सिमिलर हैं। सबसे पहले बात करें तो जिब्रिलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, एमसीक्यू के अखबार से, फंगल कल्चर मीडियम, फंजाई के कल्चर मीडियम के से जो है हम जो है ये हार्मोन जो है जिसको हम जिब्रिलिन कहते हैं ये प्रोड्यूस होता है और ये ग्रोथ हार्मोन है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। जैसे कि हमने ऑक्सीजन में देखा, ऑक्सीजन का काम भी क्या था कि जो सेल होता है सेल को इनलार्जमेंट करना, प्रमोट करना ग्रोथ को, सेम वैसे ही जो हमारे पास जिब्रिलिन हार्मोन है इसका काम भी होता है कि ये सेल की इनलार्जमेंट करवाता है, सेल का जो साइज होता है उसको इंक्रीज करता है। तो ये डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। आल्सो प्रमोट द सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टम्स एंड कैम्बियम। एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं जो हमारे पास स्टेम है, स्टेम के टॉप के ऊपर जिनके पास एबिलिटी होती है सेल डिवीजन होने की, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, उनके टॉप के ऊपर जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। और उसके बाद है कैम्बियम। कैम्बियम दो तरह के हैं, एक कोर कैम्बियम है, एक हमारे पास वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम वो है जो न्यू जाइलम और फ्लोएम बनाता है, कोर कैम्बियम वो है जो हमारे इनके जो प्लांट की बाहर छाल होती है जिसको कॉर्क या बार कहते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स है वो बेसिकली कॉर्क से बनता है, यानी कैम्बियम से बनता है। कैम्बियम आर दी आल्सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स। नेक्स्ट है प्रमोट द बोल्टिंग इन रोजेटी प्लांट, यानी जो हमारे पास आपने सुना होगा कलमकारी, पेवंद कैरी वगैरह, तो क्या होता है दो कलम यानी दो स्टेम को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के लिए बाद इस हार्मोन का जिसको हम जिब्रिलिन कहते हैं उसको यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है जो दोनों मतलब स्टेम होती हैं उनका जो वास्कुलर सिस्टम होता है आपस में कनेक्ट हो जाता है। बोल्टिंग मीन कनेक्शन वर्किंग। नेक्स्ट है प्रमोट बर्ड इनिशिएशन। सेम फंक्शन जैसे कि आपने ऑक्सीजन में देखा, बर्ड इनिशिएशन को जो है वो इंक्रीज करना। और एग्जाम्पल है क्राइसेंथीमम सेलस। क्राइसेंथीमम ये प्लांट का नाम है और सेलस कहते हैं अमॉर्फस टिश्यूज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है जी प्रमोट लीफ ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ। ये फ्रूट ग्रोथ को और साथ ही लीफ ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। सेम फंक्शन ऑक्सीजन, ये पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस इनके विदआउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है जी बिग बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। ये इसका अपना करैक्टर है, उसके अंदर हमने नहीं पढ़ा, ये आपने अलग से याद करना। अगर डिफरेंस में पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड जिब्रिलिन तो आपने ये पॉइंट राइट करना है। ब्रेक बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कहते हैं जब सीड जो है इनएक्टिविटी के अंदर हो, जब सीड जो है वो ग्रो ना कर रहा हो, तो उस पोजिशन को हम नाम देते हैं सीड डॉर्मेंसी। और सीड डॉर्मेंसी या बर्ड डॉर्मेंसी, क्योंकि हमने सीड जो है एक सीजन के अंदर इकट्ठे करते हैं तो फिर दूसरे सीजन के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं, अगर हम इनका यानी जिब्रिलिन हार्मोन का स्प्रे कर दें तो उससे क्या हो सकता है, हम सीड जब सीड को दोबारा ग्रो करेंगे तो इसके ऊपर स्प्रे करके जब ग्रो करेंगे तो उसकी डॉर्मेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है समटाइम्स मे सब्स्टिट्यूट ऑफ द रेड लाइट। ये ऑक्सीजन से डिफरेंट है। रेड लाइट जो होती है ये जो फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, ये उसको इन्हेंस करती है। तो अगर हम रेड लाइट नहीं है, हम इस हार्मोन का स्प्रे कर देते हैं जिब्रिलिन हार्मोन का, तो जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी, जबकि शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है जी लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस मीन कि जो लीफ होते हैं उसकी एजिंग या लीफ की जो एज होती है उसको इंक्रीज करने के अंदर ये जिब्रिलिन हार्मोन इंक्लूड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जिब्रिलिन जो हार्मोन्स के कमर्शियल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, और ये आपने याद रखना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।